जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पी सोबड्डा। बहुत का कमेंट था कि दी आप पहले दूसरे जगह पोस्टिंग थी, अब दूसरे जगह आ गई हो, आपकी वीडियोस मुझे पता चल रहा है। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ, मेरा पोस्टिंग सोशल मीडिया में हो गया है। आप लोग को बहुत जल्द छोटी छोटी न्यूज़, साइबर क्राइम, जैसे कि एनी डेक्स यूज़ नहीं करना चाहिए। एनी डेक्स अगर ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। मेरी एक फ्रेंड थी नमी चौहान, जिसका नाम है मेरे साथ की है, वो एनी डेक्स ऐप यूज़ की, उसके बाद 83,000 रुपया उसका गायब हो गया। ठीक है, हमारी लाइफ तो 368 की तरह है, कभी भी संशोधन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार। तो ये सबसे जरूरी जानकारी मुझे देना है। और हाँ, पढ़ाई, मैं आपसे से बोली थी कि क्लास स्टार्ट करवाऊंगी, तो मैं थोड़ा सेट देख ली से अभी थोड़ा बहुत सेट नहीं हो पाई हूँ और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करवाऊँगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, जो मेहनत किया है ना, मेहनत एक छोटा सा वर्ड है, जो 2 से 3 साल लगातार मेहनत कर लिया है ना मेरे भाई, उसका लाइफ में 4 चांद लग गया है। और पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और कौन कौन सा बुक यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा बुक को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सा सर को फॉलो कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करेंगे। और आप पढ़ाई कर लोगे ना यार, सेटिंग वेटिंग बाहर में जाए, पता है सबके माइंड में बैठा हुआ है, सेटिंग से होता है, जो सच बात है, सेटिंग से होता है। अगर आप अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखते हो ना, तो सेटिंग वाले की हो या ना हो, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं है, पता है मेहनत एक ऐसा शब्द है ना जो आपकी ज़िंदगी को पलट के रख देगा, पता है। मेहनत करना सीखिए ना, मेहनत जो करता है ना उसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और पढ़ाई, जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में अगर कम स्कोर आ रहा है, तो इससे ये मतलब नहीं बनता है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका मेरिट में नाम होगा। बस मेहनत होनी चाहिए, कंटिन्यू लगातार मेहनत होनी चाहिए। और बहुत का कमेंट था कि 112 का वैकेंसी कब आएगी। आप लोग भी कितने बुद्धू हो ना, बेचैन रहते हो। अब बिहार पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही थी तो बोल रहे थे बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। जब बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई तो अब आप लोग बोल रहे 112 की वैकेंसी कब आएगी। बिहार दरोगा वैकेंसी का मैं भी इंतजार कर रही हूँ, बिहार दरोगा वैकेंसी आएगी तो मैं भी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं आपको पढ़ाई स्टार्ट करवा रही हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ाऊँ कैसे, बोर्ड कैसे लगाऊँ। ये रूम है मेरा, आप लोग को कोई आइडिया लगे तो आप लोग बताना। और हाँ, एक बंद कमरे में ना 2 से 3 साल खुद को बंद कर दीजिए। पता है मुझे दुनिया में मार्केट जाना, पता है खाना भी तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ रास्ते में, अगर मुझे उतरना पड़े ना, मैं इतनी घामर हूँ, पुलिस का एक शब्द है घामर, तो मैं वो हूँ, मैं भूखे रह जाऊँगी लेकिन रास्ते में उतर के खाऊँगी नहीं। मुझे खाना से लगाव ही नहीं है, मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं सच बता रही हूँ। अगर जो मैं काम को कर रही हूँ ना, और मुझे अचीवमेंट मिलती है, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। जब मुझे मेरी माँ, एक सिलाई मशीन होता है ना, मेरी माँ गई थी दूसरे के पास और मेरी माँ को लौटा दिया गया था, मैंने बिना ट्रेनिंग लिए ही, जैसा बोलोगे ना वैसा मैं सिल के रख दूँगी। पता है मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया और मैंने ये सोच लिया था कि उसका काम को बंद करवा देना है, और मैंने ऐसा ही किया। इतना थकड़ाता था, जो 2000 हो 1000 में, मैं देखो मैं एकदम फ्री माइंडेड लड़की हूँ, मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, दुनिया क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह आपको भी होना चाहिए। अभी 11 बजने वाला है, अभी मुझे ऑफिस जाना होगा, ड्यूटी है, और मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। मेरे बगल से कौन गुजर रहा है ना, यहाँ तक मेरे पापा गुजरते हैं तो मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं रहता। ऐसा नहीं कि अब स्टूडेंट लाइफ में प्रिया प्रिया तब पापा को देखते, हाँ पापा जा रहे हैं। मेरे बगल से भी अगर कोई चाहता है ना मुझे जान पहचान का आदमी, तो मुझे नहीं पता चलता यार। मैं अगर रास्ते में भी चलती हूँ तो सामने देखिए अगल बगल को, हाँ अलर्ट रहती हूँ, अब ये नहीं कि अलर्ट नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ आप अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा कीजिए। और वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए ना, अगर आपका मेहनत कंप्लीट रहेगा ना तो आपको खुद लगेगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और टाइम को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं आपके सक्सेस होने का। आपके पता है माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता है यार, लेकिन हाँ पता है जिस तरह मेरे माँ बाप बच्चे से ख्याल रखे हैं ना, उसी तरह मैं भी रखना चाहती हूँ।
सबको यही सोचना चाहिए, सब लड़की एक जैसी नहीं होती है। अब देखो अतुल कुमार मौर्य जी के साथ SDM बन गई, पत्नी छोड़ दी, तो अब सारी लड़की गलत है, सारी लड़की गलत है, ये कहाँ लिखा है कि सारी लड़की गलत है। हाँ लड़के इतने बेवफाई करते हैं तो क्या लड़का का, मतलब लड़की पे थोड़ा सा इस हुआ नहीं कि लड़की के पीछे पड़ गए हाथ धो के, ऐसे होता है जी, ऐसे होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करेंगे, और हाँ अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको ID मिलेगा, वो ID को फॉलो करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे आप मेरे Insta ID में जा कर के एक बघा पुलिस होगा, उस ID को फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा।